लल्ला, वो किसी को पहचान ही नहीं रहा है बेटा, किसी को नहीं पहचान रहा। क्या दादी, क्या हुआ उन्हें? अरे वो तो इतना परेशान था, डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया और सुलाया है। पर दादी कल तक तो शुभ से ठीक थे, अब अचानक से क्या हो गया उन्हें? नहीं जानते अब बेटा कैसे हुआ, लेकिन बहुत बुरी हालत है। लल्ला लल्ला बहुत परेशान है, किसी को, हाँ मैं बहुत डर लग रहा है बेटा। दादी दादी आप प्लीज रोइए मत, हिम्मत मत हारिए, मैं अभी आती हूँ। चलो ना चलिए। दाई लोग इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? वो हम वो ना युग, भाभी का बीपी लो हो रहा था तो हम डॉक्टर के पास जा रहे थे। बीपी लो हो रहा था? हाँ। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? चल मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ ना, मैं ले जाऊंगी। और तुम्हें तो चोट लगी है ना युग, तुम घर पर आराम करो, मैं ले जाऊंगी ना भाभी को। पक्का ना? हाँ पक्का। ज्यादा तकलीफ हो तो कॉल करना मुझे। हाँ करेंगे ना फोन तुम्हें। चलिए भाभी चलो। ख्याल रखना ताई। शिकारी ने शिकार तो बहुत ही कमाल तरीके से किया, ये है ना वो जिससे आप शुभ को पागल करना चाहते हैं? भाई साहब अगर ये बात मैंने सबको ढोल पीट कर बता दी तो आपका क्या होगा? बिंदिया आखिरी बार कह रहा हूं, टिप्पी वापस दो। एक बात ध्यान से कान खोल कर सुनिए, अब तक मैं इस घर में 30% का हिस्सा ले रही थी, लेकिन अब से मैं 40% लूंगी। नहीं तो मैं ये बात सबको जाकर बड़े प्यार के साथ बता सकती हूँ। भाई साहब तुम्हारे लिए मेरे पास इससे भी बड़ा प्लान है। आप तो जानते हैं प्लान के लिए मैं हमेशा रेडी रहती हूँ। मेरा प्लान भाई साहब, अरे आप छोड़िए मुझे। क्या कह रही थी तू कि तू मुझे जला के राख कर डालेगी? हाँ इस राख को देखने के लिए अगर तू जिंदा बचेगी तब ना। भाई साहब मैं मजाक कर रही थी भाई साहब। जैसा तू सोचती है वैसा शैतान नहीं हूँ मैं, मुझ जैसा शैतान तेरी सोच से कहीं ऊपर है। अगर आज के बाद तूने मेरे साथ मजाक किया ना तो सोच लेना मैं क्या करूंगा। और रही बात हिस्से की, जितना मिल रहा है ना बिंदिया उतने में खुश रहे, वरना तुझे सिर्फ मौत मिलेगी, समझी? भाई साहब चल। पता नहीं लल्ला को क्या हो गया है, कौन से सदमे में है, वो हम में से किसी को नहीं पहचानता बहुरिया, हम में से किसी को नहीं पहचानता। दादी पर ऐसे कैसे मुमकिन है? जब तक मैं यहाँ थी शुभ सर एकदम ठीक थे, फिर अचानक से उनकी तबीयत कैसे खराब हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है? ये लड़की क्या कहना चाहती है कि शुभ के इस हालत के जिम्मेदार हम हैं? तुम सोच कर भी बोल रही हो क्या? माँ बेटे का रिश्ता है हमारा, हम उसे बीमार करेंगे? अरे नहीं नहीं बुआ, मेरे बोले का वो मतलब नहीं था। अपने हाथ में रहो शगुन। वैसे भी मेरा शुभ तुम और तुम्हारे भाई युग के रवैये के वजह से इस हालत में है, उसे और तकलीफ मत दो, वो पूरी तरह से टूट जाएगा। बुआ आप तो बड़ी हैं समझदार हैं, ऐसे कैसे बात कर सकती हैं आप? आपको याद है आपने मुझसे कहा था कि नव्या पेट में गया जहर इंसान को खत्म कर देता है, हर कानों में गया जहर रिश्ते खत्म कर देता है। बुआ रहने दे नव्या, इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हो। बुआ बुआ भी क्या कह रही है, हम तो बस शुभ सर का साथ देने हैं जैसे वो हमेशा हमारा साथ देते हैं। दादी दादी क्या मैं शुभ सर के साथ रह सकती हूँ? किस हक से बोल रही है तुम ये?
एक बार याद करो तुम यहाँ से क्यों गई थी, फिर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। और वैसे भी अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारे भाई की जो इज्जत है वो मिट्टी में नहीं मिल जाएगी। कनिका बुआ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मुझे एक बार शुभ सर से मिलने दीजिए, मैं उनको देख के चली जाऊंगी। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है और बाहर वालों से मिलने के लिए बिल्कुल मना किया है। बात बढ़ने से पहले शगुन तुम यहाँ से चली जाओ। वहां क्या देख रही हो, यहाँ से जाओ, निकल जाओ यहाँ से, चलो निकल जाओ। दादी कनिका, क्यों ऐसा बोल रही हो कनिका? चलिए भाभी। नव्या, नव्या चुप से बाहुरिया, रुक जाओ, क्यों किया ऐसा? आप अंदर चलिए। ये सुब से मिल लेती तो अच्छा होता। काना, भाभी आप रुकिए, मैं रिक्शा लेकर आती हूँ। कितनी बेगरत हो तुम, इतनी बेइज्जती सुनने के बाद भी तुम यहाँ वापस आ रही। मैं जानती हूँ शुभ सर की ये हालत आपकी वजह से है, पर आप भूलिए मत वो अकेले नहीं है, मैं हमेशा उनकी ढाल बनकर उनके आगे खड़ी रहूंगी और मैं आपको कभी जीतने नहीं दूंगी। याद रखूंगा, पर जीतने के लिए मेरी जैसी जिद होनी चाहिए और हारने के लिए बस एक डर काफी है जो मैंने तुम्हारे मन में बिठा दिया है, शुभ को खोने का डर। ये जानने के बावजूद कि ये सब मैंने करवाया है, क्या कर पाई तुम? हाँ शगुन, कुछ नहीं, बट डोंट वरी, इस बार मैं शुभ को मारूंगा नहीं, इस बार मैं शुभ को धीरे धीरे से पागल बनाने वाला हूं ताकि वो मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगे। और हाँ, आज के बाद शुभ का एड्रेस यहां का नहीं होगा, आज के बाद शुभ का एड्रेस पागल खाने की चार दीवारियों के बीच में होगा। मैं आपको आपके नापाक इरादों में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक गुजरना पड़े। युग, हाँ फूफा जी बोलिए। लगता है तुम्हारी ताई को तुम्हारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, लाख मना करने के बावजूद वो फिर से शुभ से मिलने आ गई। कहते हैं कि गैरों से बदतर वो लोग होते हैं जो अपनों को ही धोखा देते हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? बस यही कि तुम्हें ना बताकर तुम्हारी ताई तुम्हें धोखा दे रही है, और मैं तो तुम्हारा अपना हूं इसलिए सोचा कि तुम्हें बता दूं। रखता हूं। इसका मतलब ताई ने मुझसे झूठ बोला? आगे डॉक्टर को दिखा के। इंसान चाहे जितने भी तरीके ढूंढ ले झूठ बोलने के, लेकिन अंत में उसका झूठ पकड़ा ही जाता है। नव्या, परियोग जो झूठ अच्छे के लिए कहा गया उसे झूठ नहीं कहते। मेरे भैया बीमार थे। मुझे नहीं सुनना, मुझे तुम्हारे भाई का नाम इस घर में, पहले भी बोला था तुमसे मैंने। भैया 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 युग, मेरी बात तो सुनो, भैया बहुत बीमार थे वरना मैं नहीं जाती। युग,
जाती हूँ। चलो तेरी हिम्मत कैसे हुई नवे पे हाथ उठाने की? अगली बार अगर ऐसा किया ना तो एक दूंगी। पर ताई तूने ही तो बोला था कि तू सच के साथ खड़ी है। इसने मुझे धोखा दिया है, मुझसे झूठ बोला है, उसकी सजा दी है। अरे बेवकूफ तो मैं ही था। मुझे अच्छे से पता था ये नव्या की फितरत है झूठ बोलना, और ये सुधर नहीं सकती। अरे मैंने इस पे विश्वास किया, गलती थी मेरी। युग मेरी बात सुन, ये जो भी कुछ हुआ उसमें नव्या की कोई गलती नहीं। मुझे जैसे पता चला शुभ सर की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें कुछ वो किसी को पहचान नहीं रहे थे, मैं घबरा गई थी, डर गई थी, इसलिए मैं नवे को साथ में। मुझे नहीं सुननी कहानी ताई, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। ताई मुझे सिर्फ तेरी चिंता है, पर तूने भी मेरे साथ विश्वासघात किया है आज, धोखा दिया है मुझे। एक बात बता, तुझे मेरी इज्जत की कोई परवाह है नहीं है? उस इंसान ने मेरी बेइज्जती की थी, याद है तुझे? क्यों कैसी बात? नहीं सुनना मुझे कुछ। शकुन युग ठीक कह रहा है, एक स्त्री के लिए उसके स्वाभिमान से बढ़के और कोई चीज नहीं होती, पर जब बात अपनों की इज्जत की हो तब तो उसे बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहिए। एक आएगा हाँ? काम नहीं है घरी, जाओ अपना काम करो। आ गए सब तमाशा देखने, जरा आवाज चढ़ी नहीं तो आ जाते। नव्या तुम हमारी बहू हो इसलिए समझा रही हूँ। जो लोग दो नाव पे पैर रख के चलते हैं ना वो कहीं के नहीं रहते, और जो लोग झूठ की बुनियाद पे अपना घर बसाते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं। देखो बेटा अपने पति का साथ दो, नहीं तो तुम भी कहीं के नहीं रहोगी। भीतर ऐसे ठुमक ठुमक कर काहे घुसी चली आ रही हो? मारी चाची जो यहाँ पे काम करती थी उनके पड़ोस में ना कोई भगवान को प्यारा हो गया तो चाची ने मारे को यहाँ भेज दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अब आई हो तो अच्छे से पहले देखभाल लेना और फिर काम शुरू करना, और हाँ सबसे पहले कपड़े धोना। जी दादी जी। चलो चलो काम पे लग। रुको आज के जमाने में इतना बड़ा घूंघट कौन डालता है? काम शुरू करने से पहले अपना घूंघट हटाओ, तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ मैं। हटाओ। पापा तेरे साथ है शगुन, कुछ नहीं होगा। क्या कर दिया? अरे संभल कर चलना चाहिए थाना भी दिया।
कहीं कहा रहने दो, वैसे भी कांच का टूटना हमारे में शुभ शगुन माना जाता है। तुम खड़े खड़े क्या कर रही हो? जाओ जाके झाड़ू पोछा लेके और ये साफ करो, जाओ। जी मैडम जी। अच्छा हुआ ये भेज दिया उसने इसे, वरना आज काम कौन करता? वो तो बात है अम्मा जी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। रुक जाओ, तुम आज इस घर में नई नई आई तो तुम्हें कैसे पता कि ये झाड़ू और कहाँ रखा है? वो क्या है ना मैडम जी, घरों घरों में काम करना हमारा खानदानी पेशा है, और हमें पता है कि अमीर लोग ना अपने झाड़ू ना पश्चिम दिशा में रखते हैं। कनिका, कहाँ इसके साथ बात करके अपना समय बर्बाद कर रही? चलो हमें बहुत काम है तुम्हारे साथ, जरूरी बात करो। जी कर लेगी, कर लेगी, चलो जल्दी, बहुत जरूरी बात करनी है। हेलो जी, मैं युक्षिंदे ही बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अभी आ सकता हूँ इंटरव्यू देने के लिए। जी जी मैं आया। एक बार इंटरव्यू क्लियर हो गया ना तो सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी आसानी से। काम करता हूँ, ताई के हाथ से गुड़ खा के जाता हूँ, वो मेरे लिए लकी है। ताई, काकू, सब लोग, ताई, एक काम करता हूँ, कमरे में शर्ट बांध देता हूँ। ताई यहाँ भी नहीं। काकू, ताई, लोग भाभी को ढूंढ रहे हैं, अगर उसे पता चल गया कि भैया से मिलने गई है तो फिर बवाल हो जाएगा। तुमने ताई को देखा कहीं? हाँ देखा था ना, वो भाभी शावर लेने गए हैं। यो, तुम्हें क्या काम था उनसे, मुझे बता दो ना। मुझे मेरी ताई से काम है, तुमसे नहीं। मैं तुम्हारा काम कर सक अरे रहने दो, जो काम के नहीं होते उन्हें काम नहीं बताया जाता ना भैया। मैं ताई का इंतजार कर लेता हूँ। टाइम बहुत हो गया, इंटरव्यू के लिए लेट ना जाओ, मैं खुद ही जाके देखता हूँ। दिखाओ मुझे कितना चला, क्या करती हो तुम? मैंने कहा ना तुम कोई काम की नहीं हो, अगर ऐसे चलता रहा ना तो पूरा घर जला दोगे एक दिन। काम बताऊं तुम्हें? ए लड़की, क्या कर रही है? वो मैडम जी, दादी अम्मा ने कहा था यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। यहाँ झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है, चल निकल यहाँ से। पर मैडम जी, एक कमरा रह गया था। बोला ना, यहाँ झाड़ू लगाने की कोई जरूरत नहीं है तो मतलब नहीं है, निकल यहाँ से। क्यों मैडम जी, इस कमरे में क्या है? अच्छा, अब तुम मुझसे सवाल जवाब करेगी, निकल। मैडम जी, मैं तो यही पूछ रही हूँ, कमरे में क्या है? अंदर एक पागल रहता है, थोड़े दिन पहले एक डॉक्टर आया था, उसे ऐसे ऐसे करके काट के खा गया। निकल। देखिए मैडम जी, हमारे को दादी ने बोला पूरे घर में झाड़ू मारने के लिए, झाड़ू लेने आऊंगी तो वो मेरी पगार काट लेंगे, मुझे नौकरी से बाहर निकाल देंगे। पागल छागल है क्या? हाँ? समझ में नहीं आता, अंदर जाएगी ना काट खाएगा। जा, कटवा ले खुद को, भाड़ ले जा। पागल। Thank you.
शुभसर देखिए नहीं आ गए, आपकी शगुन आ गई। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी, आपकी शगुन आ गई। सर उठिए, शुभसर उठिए, शुभसर उठिए, देखिए आपकी शगुन आ गई है। बिल्कुल ठीक कर दूंगी, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती, आपके शकुन आपको बिल्कुल ठीक कर देगी, कुछ नहीं होगा आपको।